Hello? Yes, Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Hello? Ram, can you hear me? Yeah, ma'am. Okay. Ram, you can choose the language for the interview. Either English or Hindi. Ma'am, I'm okay with both languages. Magar mujhe Hindi pasand hai. Theek hai, Ram. Hum interview Hindi mein continue karenge. Okay, ma'am. Aapko 15 sawalon ke jawab dene honge. Aur jawab dene ke liye company aapko sirf 15 minute deti hai. अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप जितनी बार चाहेंगे मैं उतनी बार फिर से पूछूंगी, लेकिन 15 मिनट खत्म होते ही आपको कम से कम 12 सवालों के जवाब देने होंगे। आई होप इट्स क्लियर। यस मैम। कुछ सवालों के लिए टाइम लिमिट भी होंगे, मतलब जवाब के लिए आपको 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स मिलेंगे, और ऐसे सवाल पूछने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अगर आपके गलत जवाबों का सही जवाब चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। okay, मगर ऐसा करने से आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। सवाल जवाब के दौरान बिना किसी रोक टोक आपको 15 मिनट हमारे साथ फोन पर रहना होगा। okay, मैम। आप कोई और कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट के बाद मैं फिर से फोन करूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो राम। यस मैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मैम। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैम, क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? यस राम, हम भी वही चाहते हैं। थैंक यू मैम। मिस मीरा, मैंने आपका प्रोफाइल तो देखा, अच्छा है। आपको आपके एग्जाम्स में 90% के ऊपर अंक मिले हैं और आपका स्वभाव देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आपकी काबिलियत को साबित करने के लिए कंपनी ने आपको चुना है। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ, बिकॉज आवर कंपनी इज ग्रोइंग नाउ, और आज आप HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन कर रही हैं। आगे जाकर आप HR मैनेजर भी बन सकती हैं, और जब ऐसा होगा तब कंपनी की सारी रिक्रूटमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। Am I right, मीरा? Yes. Yes. और उस वक्त कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ को लेते समय और सबसे पहले एक MBA कैंडिडेट आपके सामने आता है और उससे आपका पहला सवाल क्या होगा? मैम, मेरा भी पहला सवाल यही होगा। Very good. Second question. राम, अभी आप ईस्ट की तरफ खड़े हैं। वहाँ से 100 मीटर बाएं तरफ जाने के बाद 150 डिग्री घूमकर 200 मीटर पीछे चलते हैं। उसके बाद 100 मीटर बाई तरफ जाकर दाहिने घूमकर आप 300 मीटर आगे चलते हैं। फिर से दाहिने घूमकर 100 मीटर पीछे चलते हैं। अब आप बताइए। ओके। राम, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। ओके मैम। एक कार का पहला डिजिट का डबल आखिरी डिजिट है और दूसरा और तीसरा डिजिट सेम है। पहला डिजिट का डबल आखिरी का दोनों डिजिट है। अब आप बताइए कार का नंबर क्या है? इट्स 4998 मैम। You are right. Next question. Yahoo शब्द का अर्थ हिंदी में क्या है? राम, are you there? Yes, ma'am. I'm here. मानव पशु। Yes. मीरा, आप मुझसे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खुलकर बोलो। सर, आपको तो पता है पिछले 3 साल से मैं यहाँ सीनियर HR एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर रही हूँ,
मुझे पता चला कि एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए हैं, मैंने भी अप्लाई किया है। अगर आपसे एक रिकमेंडेशन मिल जाती तो मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कैन। अगर मैं ऐसा करूं तो, या यू समझो मीरा, मैंने ऐसा कर दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? What do you mean? I mean, आज रात को फ्री हो? No thanks. मैं एमडी से मिलती हूँ। Good morning, sir. I can't do it, Meera. I know you are qualified and experienced, but मैं कंपनी के रूल्स तोड़ नहीं सकती हूँ। तुम जानती हो, मेरे पिताजी की मौत के बाद इस कंपनी का चार्ज लेकर मुझे एक साल भी पूरा नहीं हुआ है। और इतने कम समय में अगर कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो उसका कारण कंपनी का मिशन और विजन है। मैं मेरी सिचुएशन, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस मीरा? मैं तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन देखकर कंपनी कैसे चला सकती हूँ? यू हैव टू अटेंड द इंटरव्यू, दैट्स ऑल। अब तुम जा सकती हो। ओके मैम। मीरा, वन सेकेंड। यस मैम। आई कैन डू वन थिंग फॉर यू मीरा। कल मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली हूँ फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर वन मिस्टर राम, अ वेल क्वालिफाइड यंग गाय। वो इंटरव्यू तुम कंडक्ट कर पाओगी? यू मीन? आई मीन कल का इंटरव्यू, और वो है 15 मिनट का। मीरा, तुम कंपनी की एमडी बनोगी। You must be the MD of the company. उसके इंटरव्यू के साथ तुम्हारा भी इंटरव्यू होगा फॉर HR मैनेजर, ओके? Come on, Meera, say yes or no. Yes, I will. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Good. GM से जाकर मिल लो। इंटरव्यू में जो सवाल पूछते हैं वो GM के पास है। Ma'am, वो या I can understand. मेरे पिताजी के टाइम के सबसे सीनियर स्टाफ जो हैं, वो है मिस्टर कुमार। मैं उनके बारे में सब जानती हूँ। तुम जाओ, don't worry. मैं फोन पर उन्हें बता दूंगी। Yes, ma'am. Thank you. Excuse me, मीरा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मलेशिया ले जाऊंगा। आप भी ना सर। Excuse me. May I? Okay. See you. मैं आपको शाम को फोन करूंगी। बाय। आप बैठिए। नो सर, मैडम ने आपको फोन किया था। अगर आप क्वेश्चंस दोगे तो मैं प्रिपेयर कर लूंगी। ओह यस 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 यस। वन मिनट। इसमें काफी क्वेश्चंस हैं। इसमें से 15 तुम सेलेक्ट कर लो। श्योर सर। कल सुबह 12 बजे का इंटरव्यू। वन थिंग, इंटरव्यू से पहले तुम सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस मुझे दिखाओगी, ओके? यस सर। मीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड सिलेक्शन।
मामा। बेटा मैं कब से फोन कर रही हूँ। मैं पंचायत प्रेसिडेंट के साथ बैंक मैनेजर से मिलने गई थी। प्रेसिडेंट ने जैसा कहा वैसा वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोन देर से भर सकते हैं, मगर वो कह रहे थे कि अभी का सैलरी सर्टिफिकेट कम है। अगर हम लोन देर से भी नहीं भर पाए तो बैंक घर जब्त कर लेगी। तुम्हारे पिताजी की यादें इस घर में बसी है बेटा। तुम्हें प्रमोशन मिला क्या? मैं ऑफिस आती हूँ बेटा। Ram here. Ram, I'm Meera calling from Pinnacle for the interview. We informed you last time. Sure. अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और मैं कैंडिडेट बनकर आती हूँ तो आप मुझसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जैसे बात कर सकता हूँ? अब आप बताइए, आप किस तरफ देखकर खड़े हैं? Sorry ma'am, next question. अब आप बताइए, कार का नंबर क्या है? It's 4998 मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, याहू शब्द का अर्थ मलयालम में क्या है? राम, आर यू देयर? यस मैम, आई एम हियर। मानव पशु। ओके मैम, मेरे दोनों सवालों का जवाब उसे देना होगा। He must answer. आज से लगभग 3 या 4 साल के बाद सोचिए कि आप इस कंपनी के मार्केटिंग हेड बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए राम। ओके। एक शाम ठीक 6 बजे आप ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। आपको एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऐसी जगह जाना है जो आपके ऑफिस से 1 घंटा दूरी पे है। ओके मैम। इस मीटिंग से कंपनी को एक फायदा होगा और वो है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बाहर निकलते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड जो औरतों के मामले में बड़ा ही कमीना है वो आपको विश करता है। ओके ओके। अचानक आपको एक बात याद आती है, आपके साथ काम करने वाली एक सुंदर औरत ऑफिस में अकेली है। और उस औरत के भी कुछ अर्जेंट काम बाकी है, और ऐसे सिचुएशन में आप क्या फैसला करेंगे राम? आप उस अकेले औरत की रक्षा के लिए ऑफिस में रहेंगे या फिर कंपनी के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? मैं जरूर अपने साथ काम करने वाली की रक्षा के लिए ऑफिस में रहूंगा। बिकॉज हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कंपनी को 50 लाख का फायदा होगा, बट सिक्योरिटी के सवाल पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस औरत के साथ कुछ भी कर सकता है, और इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस कंपनी की एमडी एक यंग लेडी है जो बहुत ही काबिल और समझदार है, और वो कभी भी ऐसे नालायक और बुरे स्टाफ को इस कंपनी में काम नहीं करने देगी। फिफ्थ क्वेश्चन, एक समझदार नारियल व्यापारी के पास 30 नारियल से भरी 3 बोरियां हैं। तीनों बोरियों में पूरे 90 नारियल हैं। व्यापारी को 30 चेक पोस्ट पार करके बाजार पहुंचना है। हर चेक पोस्ट पर हर एक बोरी के बदले में 1 नारियल देना है, मतलब 1 टैक्स पॉइंट में 3 नारियल देने होंगे। तो बताओ 30 चेक पोस्ट पार करने के बाद क्या इस व्यापारी के पास नारियल बचेंगे, और अगर हाँ तो कितने? राम, your time is running. सर नमस्ते, ये लीजिए 3 बोरी के 3 नारियल। अगर आपको बाजार जाना है तो ये चेक पोस्ट आपको पार करनी पड़ेगी। ये तो पहली है, चेक पोस्ट में उनको 1 बोरी के लिए 1 नारियल देना होगा।
अब उनको क्या लेना देना मैं किस बोरी से कौन सा नारियल दे रहा हूँ। और फिर ऐसे करते करते 10 चेक पोस्ट के बाद एक बोरी खाली हो जाती है। अब तो भार भी कम होते जा रहा है और होशियारी से एक बोरी भी कम हो गई। अब 2 बोरी के लिए 2 नारियल देने होंगे। लेने दो उन्हें, हमारे गांव में तो काफी नारियल होते हैं। सर ये लीजिए 2 नारियल। अब तो गेट खोल दीजिए सर। अब ये दूसरी बोरी भी खाली हो गई। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बोरी बची है। सर भी खुश और मैं भी खुश। इंडियन चेक पोस्ट एक्ट के अनुसार एक बोरी के लिए 1 नारियल देने होंगे। ऐसे 26 से लेके 30 चेक पोस्ट है। अगर मैंने एक एक नारियल हर चेक पोस्ट पे दे दिए और जब मैं 30वें चेक पोस्ट पर पहुंचूंगा, तब बताइए मेरे बोरी में कितने नारियल बचे। माय आंसर इज 25 मैडम। यू आर करेक्ट राम। हियर इज योर 7th क्वेश्चन। याद रखना, सवाल ऐसे होने चाहिए जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। राम, इस सवाल का जवाब आपको 10 सेकंड में देना होगा। ओके मैम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मुलावकाडु पंचायत प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं। मिस्टर राम, इट्स योर पंचायत। अच्छा मैम, जवाब क्या है? आपके पंचायत प्रेसिडेंट का नाम है के एन दिनाकरन। अब 8वां सवाल। राम, ऐसा समझिए कि आप पुणे से नासिक एक ट्रांसपोर्ट बस चला रहे हैं। यस मैम। अब ये सवाल ध्यान से सुनिए, ये मैथ्स का सवाल है और ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ओके। बस में टोटल 12 लोग हैं। अगले स्टॉप पे 2 लोग बस में चढ़े, वहाँ एक आदमी उतर गया। नेक्स्ट स्टॉप में 3 लोग बस में चढ़े और 2 लोग उतर गए। ओके ओके मैम। अगले स्टॉप पे 5 लोग बस में चढ़े लेकिन 3 के पास पैसे नहीं थे। 2 लोगों को कंडक्टर ने उतार दिया। एक आदमी के लिए पास बैठे हुए उसके दोस्त ने टिकट ले ली। ओके राम। ओके मैम। ये बताइए ड्राइवर की एज कितनी थी? ये बस जो पूना से नासिक चलती है उसका ड्राइवर मैं हूँ, मतलब मेरी एज, ड्राइवर की एज 25 है। Yes, you are right. राम, question number 9. Okay, ma'am. 100 seconds में बिना लेटर ए के 100 शब्द बोलिए। Your time starts now. One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 97, 98, 99, 100. It's my answer, ma'am. You are right, Ram. Ram, it's a 10-second question and the 10th question. एशिया में किस टापू पर सबसे ज्यादा आबादी है? सॉरी मैम। डू यू वांट टू नो द आंसर राम? यस मैम। केरल के पास वाइपिनकारा नाम के टापू पर एशिया की सबसे ज्यादा आबादी है। राम, हियर इज योर 11th क्वेश्चन। यस मैम। आपके हाथ में बुखार और सर्दी की 2 अलग अलग टैबलेट्स हैं। यस। चारों टैबलेट्स का सेम कलर, सेम साइज, सेम खुशबू और सेम वेट है। ओके मैम। आपको सर्दी की 1 दवाई और बुखार की 1 दवाई खानी है, आप क्या करेंगे? मैं हर टैबलेट के 2-2 टुकड़े करके हर एक का आधा हिस्सा खाऊंगा। पिताजी, यू आर राइट राम। थैंक यू मैम। 12th क्वेश्चन। एक कमरे में 3 लोग हैं।
ओके। अगर वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे? आंसर मीन 10 seconds। इसे पकड़ो, मेरा कॉल आया है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। इट्स 3 मैम। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13। इफ हार्ड वर्क इज 98%, नॉलेज इज 96%, लव इज 54, लक इज 47, मनी इज 72 एंड लीडरशिप 97%, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एटीट्यूड? सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके राम, दुनिया में कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा बिकता है? '77 में अर्नो रूबिक नाम के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई रूबिक्स क्यूब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना है। यू आर राइट राम। थैंक यू मैम। राम, नाउ यू हैव आंसर 10 questions। हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके मैम। सर ये क्वेश्चन में यस यू मस्ट मीरा। राम, आपकी माँ अगर एक प्रोस्टिट्यूट होती व्हाट विल बी योर एटीट्यूड? बोलो माँ। मैं घर पर हूँ। आपका टूर कैसा रहा? बहुत ठंडी थी, तुम्हें भी आना चाहिए था। अरे माँ क्या बोल रही हो, तुम्हारे हनीमून में मैं कैसे आता? बेटा मेरी जूली कहाँ है? वो इधर ही है। इंटरव्यू के बारे में बता रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है। अच्छा, खत्म होने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ माँ। ठीक है बेटा। हेलो मैम। राम आपने फोन कट क्यों किया? हेलो, नेटवर्क नहीं था। मैंने रूल्स में बताया था ना कि नेटवर्क वाली जगह पर ही खड़े रहो। इसका जवाब दे रहे हो या? यस मैम, मैं जवाब दूंगा। मेरी माँ प्रोस्टिट्यूट होती तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी माँ का क्लाइंट जरूर मेरे पिताजी होंगे। एक बात है मैम, अगर मैं बोलूँ तो शायद मुझे ये नौकरी ना मिले, लेकिन बिना बोले मैं रह नहीं सकता। पता नहीं किसकी माँ ने ये सवाल बनाया है। Questions are over. 2 minutes remain. आप जो भी सवाल कहें मैं फिर से पूछ सकती हूँ। Because you must answer one more question to pass this interview. Of course, ma'am. Could you please repeat question number 13? अगर मेरे बनाए हुए सवाल का जवाब उसने दे दिया तो? You fail in this game, Meera. Okay, Ram. If hard work is 98%, knowledge 96. Love 54, luck 47, money 72, leadership 97, then what is the percentage of attitude? Ma'am, मुझे पूछना नहीं चाहिए। Any clue? Excuse me, Meera. उसे fail कराना हमारा मकसद नहीं है। उसकी क्षमता, काबिलियत और समझ से हमारी कंपनी के लिए कितना फायदा होगा हमें बस उतना ही जानना है। तुम्हारे लिए भी। You got that? राम, Now luck is 47%. If you're lucky, that will increase to 72%. This is my clue. Hello.
Ma'am, the attitude is 100%. You're absolutely correct, Mr. Ram. Thanks, ma'am. Ram, your interview's over. आपने 12 सवालों का जवाब दिया है. Okay. But the clue. Anyway, I will get back to you soon. Thanks, ma'am. Well done, Meera. You have done a great job. Thank you. Hello. Ram, I am the managing director of Pinnacle. Devika here. Yes, ma'am. Congrats, Ram. You are appointed as the new marketing executive of our company. Thank you, ma'am. And our company wish you all the very best. Oh, thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, I'm really sorry, Meera. आज तुम्हारा last day है इस company में as a HR executive. Mr. Kumar, meet our new HR manager, Miss Meera. Congrats, Meera. Thank you. You're welcome.